आम आदमी पार्टी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शरण आईटी ने पीएसआई रिक्रूटमेंट स्कैम में दिव्या हागरगी के साथ कई बीजेपी एमएलए और मिनिस्टर के इन्वॉल्वमेंट का दावा करते हुए कहा, इस स्कैम में कुल 100 करोड़ रुपयों का घोटाला किया गया है। आम आदमी डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट शरण आईटी ने कहा, यह दिव्या हागरगी के जैन ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल के बिल्कुल सामने रहते हैं, जहां पीएसआई रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के दौरान करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया है। स्कैम के सामने आने के बाद बीजेपी स्पोक पर्सन दिव्या हागरगी को बीजेपी लीडर मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं दिव्या हागरगी बीजेपी वोमेन यूनिट की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं और लगातार बीजेपी एमएलए और कई मिनिस्टर्स को दिव्या हागरगी के घर पर आते जाते देखा गया है। दिव्या हागरगी बीजेपी के हर प्रोग्राम और प्रोटेस्ट में शामिल रहती हैं, लेकिन जब दिव्या हागरगी का स्कैम सामने आया तो बीजेपी खुद को बचाते नजर आ रही है। शरण आईटी ने कहा, स्टेट और सेंट्रल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, ये कभी भी सीआईडी इन्वेस्टिगेशन में रुकावट पैदा कर सकती है। इस स्कैम में कई मिनिस्टर और एमएलए इन्वॉल्व हैं, इसलिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के जरिए करवानी चाहिए। पीएसआई रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में कुल 545 कैंडिडेट ने एग्जाम्स लिखा है, जिसमें कुल 300 से ज़्यादा कैंडिडेट के पास से 50 से 70 लाख रुपयों की रिश्वत लेकर उनको पास किया गया है। शरण आईटी ने कहा, इस केस की इन्वेस्टिगेशन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के जरिए करवानी चाहिए। अगर इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो आम आदमी पार्टी स्टूडेंट्स को जमा कर विधानसभा पर चीफ मिनिस्टर के सामने धरना दिया जाएगा। एल्डिगो नमस्कार, सबको मेरा सलाम। मैं शरण आईटी यूथ प्रेसिडेंट आम आदमी का। ये पीएसआई रिक्रूटमेंट में मोर देन 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ है। ये कैसा करप्शन हुआ बोले तो 50 से 60 लाख रुपए पर कैंडिडेट लिया है, क्या बोले तो रिटर्न एग्ज़ाम पास करने के लिए। वो रिटर्न एग्ज़ाम एग्जामिनेशन सेंटर में वो बच्चा जाने के बाद उसको कितना सही आता आंसर उतना लिखने को बताया सो है। हाँ, बता के एक बच्चा वीरेश बोल के सेडम का, वो 21 सही आंसर टिक करके एग्ज़ाम सेंटर से आए सो है बाहर आधा घंटा में। बाद में वो स्कूल का ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल गोकुल नगर जीडे कॉलोनी में आता, वो घर के पास ही मेरा घर है। हाँ, मैं खुद कभी भी देखता हूँ, हर संडे वो स्कूल में कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते रहते, नर्सिंग एग्ज़ाम होते रहते, क्या होता बोल के। क्योंकि वो बच्चा एग्ज़ाम से बाहर आया, बाहर आने के बाद उनका एग्ज़ामिनर रहते स्कूल कॉलेजेस में, एग्ज़ाम होने के बाद एग्ज़ामिनर रहते ना, उनका ओएमआर शीट में टिक केस है पूरा, क्या बोले तो इसमें वो स्कूल का ओनर बीजेपी के लीडर दिव्या हागरगी इन्वॉल्व है। हाँ, उन्होंने खुद दूसरे से फ़ोन करा के एग्जामिनर को सही आंसर टिक करवा के वो लड़का पास किया और 7th रैंक है वो कर्नाटक में। हाँ, ये बहुत बड़ा स्कैम है। एक बच्चा 21 मार्क्स लेता, हाँ, उसको 121 मार्क्स लगा के रैंक आता बोले तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। हाँ, हम सब हमारा बचपन ही में हम दिन रात एक करके पढ़ के ट्रेनिंग लेके एग्ज़ाम लिखे पास हुए, गवर्नमेंट सीट लिए, सब हमारा एक्सपीरियंस है। आजकल भी वही होता वही होना, क्यों बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छा गवर्नमेंट रहे तो ये सभी करना लोगों के लिए अच्छा भलाई के लिए, तभी क्या होता एक सिस्टम रहता, एक सिस्टम से गवर्नमेंट चलता, लोगों का भलाई होता, नहीं तो नहीं होगा। ये पीएसआई ऐसे बच्चे 20-21 मार्क्स लेने वाले पास होके रैंक होके पीएसआई हुआ तो क्या वो लोग को इंसाफ दे सकते? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना रहता पीएसआई लोग, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, रेड बोर्ड लगेगा। हाँ, हाफ मर्डर इतना चार्जेस, पॉकेट मारे तो इतना चार्जेस, और कुछ मारे बोले तो अटेम्प्ट टू मर्डर इतना चार्जेस बोल के पैसा उसली करेगा। वो कभी भी किसका भलाई नहीं करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, और सार्वजनिक को क्या बोलते एक अच्छा बॉन्डिंग के से रहने नहीं देगा, सिर्फ लूट मार करेगा और हमारा बिहार सर का स्टेट होगा। हाँ, आप सुने ना बिहार कैसा है बोल के, वैसा स्टेट होगा। ये कब से हो रहा? हाँ, ये क्यों हुआ? ये बीजेपी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें, क्यों बोले तो एक दिव्या हागरगी बोल के गुलबर्गा के बीजेपी लीडर माजी महिला मोर्चा कलबुर्गी का प्रेसिडेंट थी, उन्होंने इनका फोटो इधर है, उनका घर को गृहमंत्री कर्नाटक सरकार के गृहमंत्री श्री अरग ज्ञानेंद्र जी फेब्रवरी 19 को आईएसओ पोस्ट है, उनका वाइफ
दिव्या हागर के उनके हस्बैंड पोस्ट किए सो है और हम भी देखे सो है कि उधर जाके खाना खा के सम्मान कर लेके बैठ के गए सो है कौन गृह मंत्री के बाद बीजेपी की तरफ से प्रेस मीट करिए बताया गया है कि दिव्या हागर की बीजेपी की लीडर नहीं है, बीजेपी से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। सर ताल्लुकात नहीं है बोले तो मैं आपको फोटो देता हूँ, 15 दिन के पहले बीजेपी संस्थापन दिन के दिन उनके साथ कौन प्रेस नोट दिए, श्री राजकुमार तेलकुर स्पोक पर्सन ऑफ बीजेपी उनके साथ में है, सो फोटो मैं आपको देता हूँ अभी। हाँ इससे क्या होता है, ये फोटो देता हूँ मैं आपको, इससे क्या होता कि उन्होंने इन्वॉल्व है, छुपाना चाहते वो लोग। एक दिव्या हागर की नहीं है आज के दिन में, 10 दिव्या हागर की है कर्नाटक में, वो छुपाना चाहते हैं। एक दिव्या हागर की को छुपा के रखे तो 10 बाहर नहीं आते, एक बाहर होके अरेस्ट हो गया बोले तो 10 बाहर आते, बीजेपी का घोटाला पूरा बाहर आएगा। क्यों बोले तो उनका 40% नहीं रहा अभी, ईश्वरप्पा रिजिग्नेशन दिए संतोष पाटिल केस में, वो 40% कमीशन के लिए एक मौत हुआ है कार्यकर्ता का, अभी नहीं रहा 40%, अभी 100% लिए 50-60 लाख एक एक बच्चे से लिए, 545 में करीब 300 लोगों से पैसे लिए सो है। और ऐसा हुआ तो गरीब बच्चे माँ बाप का सपना क्या रहता छोटे तब से बड़ा होने तक, मेरा बेटा पुलिस होगा, मेरा बेटा IAS ऑफिसर होगा, KFSC लिखेगा, क्लास वन ऑफिसर होगा, ये सभी सपना रहते माँ बाप के बच्चे का। ये सपना को पूरा करने के लिए उन्होंने नर्सरी से डिग्री होने तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखने तक दिन रात एक केस हो रहते, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखते अच्छा अच्छा फर्स्ट क्लास में पास केस हो रहते, रैंक में पास केस हो रहते। वो लोग ऐसा घोटाले ये बीजेपी लीडर करने से वो लोग पास नहीं हो सके। हाँ वो लोग डिप्रेस हुए, आज के दिन कई थाउजेंड्स गैदर लैक्स में बच्चे नाराज है, क्या बोले तो ऐसा स्कैंडल हुआ हम लोग पास नहीं कर पाए बोल के डिप्रेशन में। वो लोग कुछ भी कर लिए तो बीजेपी सरकार जवाबदारी है क्या? आज का दिन लास्ट वीक संतोष पाटिल बोल के एक सुसाइड कर लिया, वो एक संतोष पाटिल सुसाइड करने के बाद आप इतना शेक हुए। अगले दिन अभी कितना PSA स्टूडेंट्स है, हाँ उनका लाइफ रिस्क कौन लेते हैं? क्यों बोले तो मेंटली वीक होते बच्चे, उतना पढ़ के लिखने के बाद भी पास नहीं कर पाए, ऐसा हुआ स्कैंडल में पास हुए 50-60 लाख में हुआ सेल हो गया बोले तो। अभी नेक्स्ट बच्चे क्या करना चालू करते, क्यों पढ़ना बाबा, कुछ होने वाला ही नहीं है। बाप उसका बाप को माँ को बोलते 50 लाख रखो 60 लाख रखो, इसका रेट बोर्ड इतना है, ये एग्ज़ाम का इतना इतना रेट बोर्ड है, वो अपना पैसा रेडी करो मैं पास होता हूँ, मैं करप्शन करता हूँ बोल के। आम आदमी कैसा ISO है बोले तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट्स ISO है। क्या बोले तो करप्शन होने नहीं देते, करप्शन को रुकाते बोले तो। ये लोग दिन में लूट रहे, करप्शन कर रहे, बट हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, रोड पे उतरने वाले हैं। क्यों बोले तो सभी बच्चे को मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, सभी मिलके हम लोग एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और सबक सिखाएंगे। ये सभी कौन कौन इन्वॉल्व है उनको जल्द से जल्द 24 आवर्स में उनको अरेस्ट करना, नहीं तो आप लोग सभी इन्वॉल्व है बोल के पता चलता। क्योंकि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी कई बीजेपी MLAs एंड MP उनके साथ दिव्या के हागर के साथ फिरते थे, उन्होंने इनके पास जाते थे, सभी क्या आज बात कर रहे, सब जगह में डिस्कस किया तो बोल रहे उनके साथ फिरते थे, वो लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट क्या है बोल के पूछ रहे हम लोगों को। सो आप लोग हाँ सही है बोले तो इमीडिएटली आपका स्टेटमेंट देना चाहिए बीजेपी MLA एंड MP। दूसरे MLAs के घर ज़्यादा जाने से भी दिव्या हागर के घर जा रहे बोले तो क्या पता लगता, हाँ कोई इन्वॉल्वमेंट है, कुछ कनेक्शन है बोल के, ये सस्पेक्ट्स बोलते हम शंका कर सकते हैं उनके ऊपर। क्यों बोले तो कुछ भी कनेक्शन नहीं है बोले तो क्यों जाएगा, हाँ क्या वो कुछ MLA है, कुछ भी नहीं है। और बीजेपी वाले बोलते उनका पार्टी में छह ने बोल के उन्होंने उनको स्टेट बोर्ड नर्सिंग के मेंबर बनाए, उपाध्यक्ष बनाए, और गुलबर्गा रिसेंटली 6 महीने पहले दिशा कमेटी का मेंबर बनाए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का। ये सभी प्रेस में आए सो है और पार्टी वाले ही बोले सो है हमारा दिव्या हागरी कार्यकर्ता को दिए बोल के। फिर ये क्या है, हाँ खाने का खराब खा रहे, फिर बोलने के क्या बोल रहे, सही बोल रहे, वो नहीं हो सकता, कर रहे सो खराब है, आप एक्नॉलेज करो, करेक्शन करके चलो आप। आज हम मांग करते हैं कि COD गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक के CID कंट्रोल में है, CID और CBI
सेंट्रल के कंट्रोल में है। ये दोनों डबल इंजन सरकार है ना, स्टेट और सेंट्रल में बीजेपी का है, वो लोग ये इंक्वायरी होने नहीं देते प्रॉपरली। हम मांग करते कि मीडिया के सबके सामने कि हाईकोर्ट निवृत्त रिटायर्ड जज के कमेटी से ये इंक्वायरी होना है, उनके नेतृत्व में कमेटी बना के इंक्वायरी हुआ तो क्लियर कट कौन कौन इन्वॉल्व है, उसमें मंत्री इन्वॉल्व है क्या, बीजेपी लीडर इन्वॉल्व है क्या, आम जनता इन्वॉल्व है क्या, वो टीचर सर इन्वॉल्व है क्या, है पूरा खुलासा हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, ये छुपाने का काम होगा। अब तक ए ISO है छुपाने का, छुपाते ही जा रहे हो लोग, ऐसा हो तो नहीं चलेगा, ऐसा चलाने भी नहीं देंगे बोल के हम आम आदमी के पार्टी के तरफ से बताना चाहते हैं। एक टाइम का खाना कम खाएंगे हम, बट भ्रष्टाचार होना नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ये है, ये विषय बोलते क्या बोलते पॉइजन सर का, हाँ वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगा, हाँ वो आदमी मरेगा। वैसे हमारा कर्नाटक में पूरा स्प्रेड हो गया भ्रष्टाचार, अभी हो रहा है पूरा मैक्सिमम लेवल पे, हुआ तो बीआर सर का स्टेट बनेगा। हमारा क्या प्यार मोहब्बत है, और कर्नाटक अच्छा स्टेट है बोल के थ्रू आउट इंडिया में ये है हम, वो सभी ख़त्म हो जाएगा। सभी इतना सालों से 70 आज़ादी के बाद 75 ईयर्स तक ये क्या ब्रांड बना के आए ऐसे कर्नाटक, वो ख़त्म होने आ रहे, ख़त्म कर रहे हैं लोग पर्पसली, ऐसा होने नहीं देंगे हम।